नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस आज आउ 60 मुंड नेला कोरोना राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 6757 को वृद्धि 24 घंटा 1193 नुआ आक्रांत खोर्धारु सर्वाधिक 425 कटकु 161 चिन्हट तीव्र होबारे लागिछे खरस्रोता बचाओ आंदोलन आज और राजकनिकारे पुलिस जनता खंडजुद्ध घटना पहांतियारु आंदोलनकारी घर उठाई नेला पुलिस राजकनिका अंचल 20-30 जन को राति अध्या गिरफ सूचना गुजरात में निवेशक सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री जानो स्क्रैपिंग भित्तिभूमि पूंजी विनियोग सम्मेलन आयोजन निवेशक और शिल्प विशेषज्ञों केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी और गुजरात मुख्यमंत्री रहिबे उपस्थित चाषपाई खुशी खबर उत्तर पश्चिम बंगोपसगर में दाना बांधुछि लघुचाप अगस्ट 17 में लघुचाप सृष्टि नहीं पाणिपाग विभाग पूर्वानुमान प्रभाव में ओडिशा समेत उपकूल आंध्र छत्तीसगढ़ और तेलंगाना वर्षा संभावना राजधानी में डराउछि डेंगू 24 घंटे आउ 55 रोगी चिन्हट भुवनेश्वर डेंगू रोगी संख्या 1158 को वृद्धि सचेतनता सह सफेई कार्य को व्यापक कला बीएमसी हॉकी खेलाड़ी को सहज छलना 12 वर्ष पर भी सरुनी सुंदरगढ़ रे स्टेडियम काम बारंबार अभियोग पर क्रीड़ा भित्तिभूमि विकास दिगरे दृष्टि देउनाहंती सरकार कोविड कटकणारे चली जगा दर्शन द्वितीय दिन में महाप्रभु दर्शन करुछन्ते सेवायत परिवार सानिटाइज पाई शनिवार और रविवार बंद रहिबो श्रीमंदिर 16-20 तारीख जाए पुरीवासी को मिलिबो दर्शन सुजोग एवं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रो सफल माछ चाषी नाही पोखरी किंबा अधिक पूंजी निवेश आवश्यकता बायोफ्लक पद्धति रे माछ चाष करी स्वावलंबी हेले राजधानी उपकंठर विप्लव दास राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या रे लागुनी ब्रेक आज 60 जीवन नहीं कोरोना महामारी लगातार भाव मृत्यु संख्या 60 ऊपर रहुतिबा बेले राज्य में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 6757 को वृद्धि पाई से परी गत 24 घंटे 1193 नुआ आक्रांत चिन्हट होती 695 जन क्वारंटाइन चिन्हट होता बेले लोकाल केस 498 रही खोर्धारु सर्वाधिक 425 आक्रांत चिन्हट होता बेले कटकु 161 और बालेश्वर जिलूर 169 आक्रांत चिन्हट होता जमापड़ आली और राजकनिकारे पुलिस जनता खंडजुद्ध घटना पहांतिया समय आंदोलनकारी घर उठाई नेला पुलिस आंदोलन में सामिल थिबा किछि वरिष्ठ व्यक्ति किछि युवक और नाबालकों को भोर समय उठाई नहीं केन्द्रापड़ा पुलिस आली राजकनिका अंचल 20-30 जन को राति अध्या गिरफ कर सूचना मिली तीव्र होबारे लागिछि खरस्रोता बचाओ अभियान जिद्रे अटल अंचलवासी दीर्घ दिन है आंदोलन कर जहाँ को नहीं केन्द्रापड़ा राजकनिकारे उत्तेजना लागि रही भारी गदारे प्रस्तावित पानी जल प्रकल्प को विरोध करी जनता पुलिस मुहांमुही होती गतकाली कंपनीर ट्रक हाइवा क्रेन प्रोक्लीन भंगारुजा करते आंदोलनकारी पुलिस माड़े तीन जन आंदोलनकारी गुरुतर आहत होती घटना पर पूरा अंचल को पुलिस छाउणी में परिणत कर ए बाबद्रे अधिक सूचना पाई केन्द्रापड़ा रिपोर्टर कमलोचन गिरी चढ़ी कमलोचन गत काली आम दृश्य देखी किभली पुलिस और जनता खंडजुद्ध हो आज जो कि लोक उठाई नाला बर्तमान कौन अपडेट आसुच्छे देखु माधुरी जी कह खरस्रोता संग्राम समय आंदोलनकारी मैंने बर्तमान पुणी थे आंदोलन गोलिया सजवाज होती जो मैं राति अध्याय पुलिस उठे नहीं प्राय 20-30 जन से नाबालक रही है और
आंदोलनकारी घर पुलिस जाए धमक चमक दे महिला मानक दुर्व्यवहार कराई फोन छड़े जहाँ सूचना रही बर्तमान में आम सहित खरसता संग्राम समिति संपादक दुर्योधन महांती जोड़ी होती आम सहित सीधा सड़क आलोचना कौन कर आज्ञा आप आंदोलनकारी मैंने पुलिस उठे नहीं आप जब आंदोलन को उठे नहीं कौन कर आज्ञा नमस्कार खरसता बचाओ संग्राम समिति सभापति कह दुर्योधन महांती आम चाहून आईन के हाथ को नापी सरकार आमको बाध्य करुचे आईन के हाथ को नापी कारण दीर्घ दुई वर्ष है ये संग्राम चली आम विभिन्न समय रे प्रशासनिक अधिकारी मानक सहित आलोचना करिचु वर्तमान आलीर विधायक प्रताप केशरी देव से मध्य आम सांगरे थिले आमर प्रशासनिक अधिकारी सहित आलोचन अंशग्रहण करेन कथा है खरसता हूँ आलिकनिकार जीवनरेखा जदि पा एठ चली जाए हुए तो लुणा पा समुद्र आम निकटर थी माड़ आस नई सुखिज एवं संपूर्ण पा लुणा होफल कि आमर आलिकनिकार जीवनरेखा खरसता जे कि खटिकिया मजूरी चाषी मूलिया समस्त यही नदी पर निर्भर कर चलुंट दादन तो यह खटुंट हुए तो इमित समय आसब घर द्वार ताला पकईकि दादन खटापी बाध्य तेणु ये प्रकार समस्या आसवा पूर्व आम दुई वर्ष होगा सरकार को अनुरोध करू कार्य को विरोध करू किंतु अचानक सरकार राति अधिया फोर्स लगे बल प्रयोग कर बंदूक गुड़गुला कमाणर धमक दे आम को आम ठार आम अधिकार छड़े नापी प्रस्तुत आसी वर्तमान जो एरिया रे तीनटा पंचायत 144 जारी करा जो एरिया रे पोस्ट आमर प्रकल्प से संपूर्ण एरिया टी आमर बरुणाडिया ग्राम पंचायत लोक मानकर पैतृक संपत्ति से इंचे हेले सरकारी जमी कि अनामादी ना जबरदस्ती कर गाई गोरु पिला छुआ आमर जी चाषी मूलिया समस्त को अटक रखा जाए बारिगेट कर बहु पुलिस फोर्स मुतयन करेणु आम जी मुख्य लोक जो मैंने अच्छा आगधाड़ी आम जी ए सरकार सहित सहयोग करने समाधान करने चाहूँ ये माने बल प्रयोग कर जनगण को उत्त्यक्त कराँच काली आम सेठार उपस्थित थिलु आम चाहूलु शांतिपूर्ण प्रशासन सहित आलोचना हो किंतु प्रशासन जो पुलिस गुंडा अच्छा जो मैंने किसी सरकारी दल लाच नहीं भितर जड़े आई आई सी आउ एसडीपीओ अच्छा सेठी हुए तो मत जड़े नात मारा मुझे पड़गली जहाँफल मो गोड़ भी छिंडीगला निजे आई आई सी मत धरिक उठाई तापर आमर गोटे झील आम भी सेठी मना करूँ कि तुम ये शांतिपूर्ण भाव रक्षा कर आ बसी जाओ रास्ता पर आम समाधान हम ताकू जड़े मारा नात और पड़ी जापर दु तीन नात मारा पुलिस पिटापिटी आरंभ करदेला जहाँफल विशृंखला होगा एकटा सिना आम बरदास्त करू आम बयस होगा रक्त शिथिल होगला हेले ये साधारण जनता आउ एवं जो आम खटिकिया मजूरिया जो बेकार युवक पाठशाठ पढ़ी चाकरी नहीं बेकार ही गाँव में बुलूंट से भिटामाटी पलैब जीवन जीविका पलैब तेणु से बाध्य आईन को हाथ को नहीं सी जहाँ कि भंगारुजा कर दुख दुख प्रकाश करुच्ची ए मुख्य दायी हूँ प्रशासन एवं सरकारी कल सरकारी दल आमे नुहे वर्तमान आमर लोक राति अधरे उठे नहीं घर द्वार भांगी चंती जो मैंने आंदोलन करते आंदोलन जारी रही बो कारण जनसाधारण उत्त्यक्त है कि आम नेता आम अधिक आमर जी पुओ भाई आमर बंधु परिजन को जदि जबरदस्ती कर राति अधरे घर उठे नहीं जाए आम घर द्वार भांगे आमर झूव बहू को बेजित करे तो उत्त्यक्त अधिका हे ये भावुवे जदि बल प्रयोग कले हुए तो ये आंदोलन थंडा पड़ आंदोलन थंडा पड़ नहीं बर आ भयंकर रूप नब से सरकार प्रस्तुत रुंतुता जवाब देवाई आम नुहे आम ना 50 जन ना कि 100 जन ना केस अच्छी हूँ तो कल जो हजार हजार लोक से एकत्रित होते समस्ते लुह लौ ढाड़ी ये खरसतार पा को रक्षा करने प्रस्तुत हे आगामी दिन में ये आंदोलन भयंकर हम से सरकार प्रस्तुत रुंतु देखिया प्लाटून पुलिस मगैले गुड़ चलते हुए तो कलिंग नगर भाई मरवाई भी लोक प्रस्तुत अच्छा लाठी खावाई प्रस्तुत अच्छा जेल जावाई भी प्रस्तुत अच्छा मैंने मो घर पशिकी जड़े अत्याचार कर मो झो बो माँ मौसी अत्याचार कर आम चुड़ी पिंधिक घर पशिक रहीबू तार निश्चिंत भाव जवाब देवु तार प्रतिशोध नापी चेष्टा करूँ।
कमलोचन लोके पूरा पूरी प्रस्तुत अच्छा निजर जीवन जीविका बचाईवा को संपूर्ण प्रस्तुत अच्छा सेठाकर बासिंदा किंतु पुलिस प्रशासन कथा कह जिला प्रशासन से तो प्रस्तुत नुहति ये समस्या कि समाधान हे राति अधरे एमती मैंने नौ चोरू ने भाई नौते पुलिस फास्ट लोक जाण पकड़ यही लोक जाते मैंने कैमेरा देखिक लोक को सब चाइना पठाया कथा पुलिस मानक मैंने ये मैंने मैंने शीघ्र मैंने आटाक करूँ पुलिस मैंने प्रत्येक घरे घरे आम झूँ माँ भौणी मैंने समस्त अत्याचार करी बंधुक भय देख इनकाउंटर करेंगे एत इनकाउंटर शिक्षा चाइना पटक जाता चाइना जो आम मैंने देश को मैंने हईरा करूँ से पुलिस सब चाइना को जवा कथा ये रहा कथा नुह एत भल पुलिस सब अच्छा रात गोटे मैंने रात बार घंटा भितर जाणी पकड़े या घर यहीटा ता घर यहाँ ता घर आंदोलन तो यहाँ आरंभ कल भी कहुता आज भी कहते आरंभ एटा कि आरंभ है छोट होगा यापर यदि पुलिस आम जिते मो भाई बड़ापा दादा को नहीं न छाड़ती मानते भलसे मैं या कल जहाँ देखी टेलर फिल्मी मैं या भयंकर हम देखा कथ कह प्राय कल 16 प्लाटून पुलिस मगाई आगे यदि 100 प्लाटून पुलिस कौन कमी जवाब किसी ना कल आम 3000 रु 4000 लोक होता 50000 लोक भी आम आरंभ मैंने लोक सब मैंने कले मैंने आरंभ में यहाँ भुवनेश्वर से स्टार्ट हम ए भुवनेश्वर लोक आंदोलन करके रोड स्ट्राइक कर आसुआसु राजकनिकार पहुँचे तो निश्चय जब देखा ये प्रशासन आपण किसी आलोचना किसी करना मनमुखी राताराति मैंने 144 धारा लागू करदे राताराति पुलिस स्टॉप करके बंद कले ये पड़िया हूँ आम गाँ लोकर सब का कौ सरकार गोटे डिसमिल आम पड़िया को लाट्रीन बनई देते मानते एमती पड़िया गोटे जो जमी किणी कौन सी जमी तो किणी जी तार डबल जमी बार बुलाई जमी बोपा पैतृक संपत्ति आम गाँ लोक संपत्ति आम गाँ लोक गाई चरे छाड़ू ना गाँ लोक से इटा कर इटा बिक्री कराई दौना से लोक चाष करा कि छड़ दौना आंदोलन जोर द्वार हम बहुत मैंने मैंने सरकार ये दायी हम जी मैंने सब मानने हम सरकार ये सब दायी हे तीव्र खरस्रोता बचाओ अभियान और ए लोके प्रस्तुत अच्छा किंतु प्रशासन केवे प्रस्तुत हो प्रशासन केवे सामना को आसी लोकों समस्या समाधान कर नजर आज गुजरात में निवेशक सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जान स्क्रापिंग भित्तिभूमि स्थापना पर पुंजी विनियोग सम्मेलन आयोजन दिन 11टा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय और गुजरात सरकार पक्षर यह सम्मेलन आयोजित होवेशक और शिल्प विशेषज्ञ अंशग्रहण करेंगे अवसर में केन्द्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपानी उपस्थित रहते भद्रक न्याय न पाई युवती आत्महत्या घटनारे संदेह घेरें पुलिस भूमिका घटना को चापी देवाई पुलिस चाप पकाउथिबा अभियोग आनी मृत युवती परिवार लोके असदाचरण पर कंप्रोमाइज पर पुलिस केस प्रत्याहार पर युवती परिवार को धमक देउथिले अभियुक्तर लोक तेज न्याय न पाइबारु युवती जनक आत्महत्या करथिले मुख्य अभियुक्त शेख मुस्तकीम को पुलिस गिरफ्त करिछे हेले जदि ठीक समय एक्शन नै थांता ताहेले युवती जीवन हारि न थांते मृत युवती परिवार को न्याय न मिलले आगो को आंदोलन व्यापक बीजेपी युवा मोर्चा चेतावनी देछे से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पक्षर विक्षोभ करा किन्नर संघ पक्षर एसपी ऑफिस आगे विक्षोभ करा देवसेना पक्षर एसपी को दावीपत्र दि जाए भद्रक सहर में विभिन्न युवा संगठन पक्षर कैंडल शोभा भद्रक्रु जोड़े रही दीप्ति रंजन साहू दीप्ति जो घटना सामना को आसुच्छी पुलिस सेठे संदेह करे पुलिस कथा जिते सामना को आसुच्छी आईन व्यवस्था भद्रक्रे तो आईन व्यवस्था ठेक भूसुड़ी पड़ी गत 2 तारीख जिते बड़े ये जो घटना घटी आम अच्छे नातसाईटे आप सीधा सड़क चित्र देखिपे आम से जो युवती जनक जे आत्महत्या करें बासभवन में अच्छु जेहेतु नातसाई एक प्रकार शोकाकूल परिवेश सृष्टि माँ और जेजेमा बस चंदी
ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଯୋଉ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ନାଥ ସାହିର ଶୋକାକଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁଲିସ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ସବୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ, ସେଦିନ ଯୋଉ ଘଟଣା ଥିଲା ଝିଅ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ମାମୁଁ କ'ଣ କରୁ ନା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ, ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି କଥା କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ବାନ୍ଧୁଥିନି, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ବାନ୍ଧୁଥିନି ଆମ ଗଡ଼ିଆ ପାଖର ବାଉଁଶ ବୁଦା ଦେହ ପାଖର, ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ଧମକ ଚମକ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କିଏ ନା, ମୁଁ ତମେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇଛ, ମୁଁ ହେଉଛି ତାରି ପୁଅ ସମୀର। ଏଇ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ କହିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେନୁ, ଆଉ ସେ ରାଜୁ ରାଜି ହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ମୋର କ'ଣ ଦରକାର, ମୋ ଝିଅ ତ ବଦନାମ କରିଦେଲେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ମୋର କ'ଣ ଦରକାର, ଯାହା ହେବ ସେ ଥାନାରେ ହେବ। ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ବୁଢ଼ା ସେଠି ବସିଥିଲା, ସେଇ ବିଦ୍ୟାଧର ଆଡ଼ି ଇଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଥିଲା, 5-6 ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଜଣେ କହିଲା କହିଲା ମୋ ବାପକୁ ତ ଆମେ କାଢ଼ି ଆଣୁନୁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାଚିନୁ ତମେ ନେଲନି, କ'ଣ ମୋ ବାପର ହେଲା? ସେ ବୁଢ଼ା ସେଠି ବସିଥିଲା ହସୁଥିଲା, କହିଲା ମୋର 6-6ଟା ପୁଅ ଥାଏ, କ'ଣ ମୋ ବାପ ମୋର କିଏ ବାଳ ପାଡ଼ିବ କହି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଆସିନି, ମୋ ଶାଶୁ ପାଖରେ ଏକଥା କହିଦେଇକି ଗୁରୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଶୁଣିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କେତେ କଥା ସିଏ କହିଦେଲା। ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଠି ମା ଆଖିରେ ଲୁହ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଭୂପତ ନେପାତ ଭଦ୍ରକ ରିପୋର୍ଟର ଦୀପ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ବ୍ରାଞ୍ଚକା ଜବତରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 କେଜି 320 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଞ୍ଚକା ଜବତ ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟରୁ ବ୍ରାଞ୍ଚକା ଜବତ ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବ୍ରାଉନ୍ସଗାର୍ଡ ଜବତରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପାଖାପାଖି 1 କେଜି 320 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ସଗାର୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟରୁ ବ୍ରାଉନ୍ସଗାର୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟରୁ ବ୍ରାଉନ୍ସଗାର୍ଡ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ରୋଶନ ରଥର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି କେବଳ 3 ଜଣଙ୍କର ସୀମିତ ରହିଛି ନା ପୁରା ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଯୋଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ 1 କେଜି 320 ଗ୍ରାମ
ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ ହେଇଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 20 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର କାରବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତିରୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାଖାପାଖି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ସହିତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ଫେରାର ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ 3 ଜଣଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଯୋଉଟା QAT ରହିଛି QAT ଗିରଫ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବେପାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଣିକି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ 2020ର ଫିଗର ଦେଖିବା 2020 ଗୋଟାଏ ବର୍ଷରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଯେତିକି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରିଛି ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୋଲିସ ସେତିକି ଏମାଉଣ୍ଟର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଆସୁଛି ଜଳେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ ସେଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଅପରେଟ୍ ଆସୁଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେଠୁ KG ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବ୍ରାଉନ ସୁଗରକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବ୍ୟବସାୟକୁ ରୋକାଯିବ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଶନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରାଯାଉଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ରୋକ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବ୍ୟବସାୟରେ ସେମାନେ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ବି ଡ୍ରଗ୍ ପେଡଲର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ଆଣି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ। ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଚଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଟେକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଡିମାଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହାଇ ରହୁଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ବାଛୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ପଇସା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ କମାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାର ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ନିହାତି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରୋଶନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ମୂଳ ରହିଛନ୍ତି ବା ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ ପେଡଲର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ବା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ କେବଳ ଗିରଫ କରି ସୀମିତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁମାନେ କିଣିଥାନ୍ତି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଏବଂ ତାକୁ ହୋଲସେଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲଗା ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଣି ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି ଏଠି ସେମାନେ ଅଲଗା କାଟାଗୋରିର ଲୋକ ଥାନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଧରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହବ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହେଭି ଏମାଉଣ୍ଟର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ପେଡଲର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ହିଁ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆଣିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଏ ଘଟଣା କିଭଳି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେବ ବା ପୁରା କାରବାର କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ନେଇ କିନ୍ତୁ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନବଗଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ କିଛି ନୂଆ ମୁହଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ରହିବେ। ସେହିପରି ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଜ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଜ ଗୁରୁ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପତିହାରୀ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନନ୍ତ ତିଆଡ଼ି ସ୍ୱାର ମହାସ୍ୱାର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବଗଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ସମୟ ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।